जिला बिलासपुर के हरलोक क्षेत्र में 3.5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई बलात्कार की घटना के विरोध में ग्रामीणों ने निजी स्कूल के बाहर नारेबाजी की। आपको बता दें कि अब तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। वहीं दूसरी ओर इस कुकृत्य की चारों ओर निंदा हो रही है। एबीवीपी व युवा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र निष्पक्षता से सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो यहां पर बड़ा आंदोलन होगा, जिसके प्रति शासन प्रशासन उत्तरदायी होगा। गौरतलब है कि इस कुकृत्य की घटना शनिवार को जिला बिलासपुर के हरलोक क्षेत्र के एक निजी स्कूल में घटित हुई है। बलात्कार का शिकार हुई पीड़ित मासूम बच्ची को स्कूल बस ने घर के समीप उतारा था, जहां पर बच्ची को उसकी मां घर ले गई थी। स्कूल बस में उस दौरान स्कूल के अन्य बच्चे चपरासी व चालक थे। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि बच्ची के साथ दुराचार की घटना स्कूल में या फिर बस में घटित हुई। इस सारे प्रकरण में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही उजागर होना स्वाभाविक है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 3 दिन पूर्व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। एबीवीपी के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने धर्मशाला में मीडिया से मुखातिब होते हुए इसको लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो स्नातक के 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया है, उसमें विभिन्न विषयों में 90% विद्यार्थी फेल कर दिए हैं, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। राहुल राणा ने बीवी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों की लापरवाही के कारण बीवी का स्तर गिर रहा है। राहुल ने बताया कि विज्ञान संख्याए के जियोलॉजी और केमिस्ट्री में पेपर 50 नंबर का हुआ था, जबकि इंटरनेट पर 70 नंबर में से अंक दर्शाए गए हैं। राहुल ने कहा कि प्रशासन के इन खामियों से बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि परिषद बीवी से मांग करती है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द खामियों को दूर किया जाए, साथ ही घोषित परीक्षा परिणामों की गड़बड़ी को ठीक करते हुए पेपरों का निशुल्क पूर्ण मूल्यांकन करवाया जाए। उन्होंने कहा कि इसी मांग को लेकर प्रदेश के सभी इकाइयां बुधवार 8 मई को प्रदेश के सभी कॉलेजों में धरना प्रदर्शन करेंगी और बीवी इकाई परीक्षा नियंत्रक का घेराव करेगी। प्रांत मंत्री ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द छात्र हित में परीक्षा परिणाम को ठीक नहीं किया तो एबीवीपी प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी। आज धर्मशाला में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार डॉक्टर संजीव गुलेरिया नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश ने कहा कि अगर वे सांसद बनते हैं तो 2003 के बाद जो कर्मचारी लगे हैं उन्हें पुरानी पेंशन से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं को आउटसोर्स के तहत रखा जा रहा उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जितने भी रिटायर लोग हैं उनकी संख्या लगभग 32,000 के करीब है और अगर एक परिवार में 5 वोट भी हों तो उनके पक्ष में लगभग 1,60,000 वोट पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें आम आदमी पार्टी का समर्थन प्राप्त है और जिस मुद्दे को लेकर कर्मचारियों का साथ उन्हें मिल रहा है, इसके अतिरिक्त 50,000 से भी अधिक बेरोजगार युवा भी उन्हें जीतने के लिए वोट दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2004 से केंद्र सरकार ने जिस पेंशन को बंद कर दिया है, इसकी बहाली के लिए भी सरकार से मांग की जाएगी। गौरतलब रहे कि डॉक्टर संजीव गुलेरिया को आम आदमी पार्टी का भी समर्थन है। आज प्रेस वार्ता के दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के जिला कांगड़ा अध्यक्ष राकेश मनकोटिया भी मौजूद रहे। सड़क पर पास लेने को लेकर हुई बहस के बाद परिवहन निगम बस चालक के साथ अश्लील गाली गलौज के बाद मारपीट करने के आरोप में प्रदेश के एक रेवेन्यू अधिकारी के खिलाफ देहरा पुलिस के पास एक केस दर्ज हुआ है। रेवेन्यू अधिकारी हमीरपुर के बटसर में तैनात बताया जाता है। जानकारी के अनुसार ये रेवेन्यू अधिकारी अपनी गाड़ी से
शनिवार शाम अपने घर पैसा जा रहा था, तभी देहरा सड़क मार्ग पर जा रही देहरा डिपो की बस जो देहरा से बने दी हट्टी जा रही थी के चालक से गाड़ी पास को लेकर बहस हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। निगम चालक राजेंद्र ने उपरोक्त रेवेन्यू अधिकारी के खिलाफ उससे ड्यूटी पर कार्य करते वक्त गाली गलौज एवं मारपीट के आरोप में शिकायत पर उपरोक्त आरोपी अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।